सिंह का भी बात बताएं कि अभी एक बीजेपी कार्यक्रम आयोजन कर रही है जिसके अंदर बीजेपी बहुत बड़े 5000 किलो की खिचड़ी बनाने लग रही है, उसके अंदर 1 लाख बहुजन समाज के लोगों को और उसमें खासतौर से SC कैटेगरी को लेकर आने का है, तो क्या बोलेंगे उसके ऊपर आप? खिचड़ी तो बीमार आदमी खिलाई जाती है जी, और हम लोग बीमार कहते ही नहीं जी, तो इसलिए हम लोग अब खिचड़ी के चक्कर में नहीं है जी। हम लोग देसी सत्ता की मतलब उसमें है जो हमारे महापुरुषों की चाहत है। तो मैंने अभी आपको कहा कि भाई उन्होंने गरीब के बेटे के लिए इस देश के अंदर राजा बनने की बात की। मानव कांसीराम साहब ने भी पूरे देश में घूम घूम के, बहन जी ने पूरे देश में घूम घूम के कहने काम किया कि वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो अब खिचड़ी से राज नहीं उनको मिलने वाला है। और वोट यदि हमारा तो हम लोगों को जागरूक करें कि भाई वोट अब ये मांगने की जो प्रवृत्ति है इसको खत्म करना चाहिए। इस सरकारों की ये इन्होंने टेंडेंसी बनाई है कि जो कमजोर लोग हैं उनको ये मांगने वाला बनाना चाहते हैं, तो और हम लोग उनको उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। हमारे नेता भी चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर इस देश की शासन प्रशासन भागीदारी में, और ये मानव कांसीराम चाहते हैं ना बिकने वाला समाज में अपने पैरों पर खड़े होकर देश की शासन प्रशासन में हम लोगों को भागीदारी दे सकें। तो अब ये खिचड़ी विचड़ी का ये कितना भी ड्रामा कुछ भी कर लें तो उससे कुछ मतलब असर नहीं होने वाला। अभी आपने देखा भी होगा कि ये लोग धर्म के नाम पर मतलब राजनीति करते हैं या फिर मतलब इस तरह जो ये राजनीति करें अब वो उनके लिए कारगर साबित नहीं होगी। अब लोग जागरूक हैं और हमारी नेता इस काम में लगी है कि भाई वो लोगों को जागरूक कर रही है, तो इस आधार पर मतलब ना अब इनकी खिचड़ी या कोई भी जो षड्यंत्र रच रहे हैं गरीबों के लिए वो उनके भगवान आने वाले नहीं।